Tomorrow never comes. If comes, it is never tomorrow. It is always today. कल कभी नहीं आता है, जो करना है कल पर कभी मत टालो, आज ही करो। मैं एस के मिश्रा शार्प करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो हाई स्कूल नवा दसवा ग्यारहवा बारहवा सभी के लिए, इससे ऊपर की क्लासेस के लिए भी अच्छा है। वैसे छठे सातवें आठवें के बच्चे भी इसे देखें तो बहुत लाभदायक है। अपठित, अपठित अनसीन को कहते हैं। सीन माने पढ़ा हुआ, अनसीन माने बिना पढ़ा हुआ, अपठित। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ भी समझ लें। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है समझ। जो प्रश्न समझ बूझ पर आधारित हो वो कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। हमें समझ करके किसी चीज को करना है। जैसे कोई पैराग्राफ इम्तहान में आता है, एग्जाम में आता है, उस पर आधारित नीचे प्रश्न दिए गए होते हैं, उस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसीलिए अपनी समझ बूझ से उसको करना होता है। वो जरूरी नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ हो। अगर कोई पढ़ा हुआ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ आ जाए तो आपको कैसे करना है देख लें। वैसे ये अपठित कहलाता है। अनसीन पैसे, प्रश्न नीचे लिखे हुए होते हैं और पैराग्राफ ऊपर लिखा हुआ होता है, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं नीचे दिए हुए जो आपको करने होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, पहले समझ लीजिए, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं पैराग्राफ के। जैसे वंस देयर वाज ए प्रिंस इन इंडिया, एक बार भारत में एक राजकुमार था। हिज नेम वाज सिद्धार्थ, उसका नाम सिद्धार्थ था। ही लिव्ड इन ए पैलेस, वो एक महल में रहता था। एंड वाज हैप्पी, और खुश था। वन डे ही वेंट विद हिज सर्वेंट, एक बार वो अपने नौकर के साथ गया। ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। दिस मैन वाज वेरी वीक एंड थिन, ये आदमी बहुत कमजोर और पतला था। सिद्धार्थ फेल्ट अनहैप्पी, सिद्धार्थ बहुत अप्रसन्न हुए, दुखी हुए। ये है पैराग्राफ। ये मैंने बहुत सरल पैराग्राफ लिया है समझाने के लिए प्रत्येक क्लास को, ताकि आप इसका अर्थ समझ सके। कैसे कैसे मैं आप बताने जा रहा हूं वो समझ सके। जब आप देखेंगे प्रश्न तो कुछ तो इस पर आश्रित होंगे कॉम्प्रिहेंशन पर, लेकिन कुछ टाइटल पर होंगे, यानी इसका शीर्षक बताइए। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे कि जो इटैलिसाइज्ड होंगे। इटैलिसाइज्ड का अर्थ होता है टेढ़े प्रश्न, टेढ़े शब्द जो लिखे हुए हों पैराग्राफ में, थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया जाता है, और अंडरलाइन भी कहा जाता है इसको। अंडरलाइन किसे कहते हैं, जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है, यानी लाइन खींच दी जाती है, ऐसे शब्दों को अंडरलाइन वर्ड्स कहते हैं। तो हमने इसको समझ लिया पहले, और समझने के बाद क्या करते हैं, लेकिन फिर देखें एक बार, हमें ये पैराग्राफ कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इम्तिहान में सरल आए, इम्तिहान में कठिन भी आता है। इसीलिए हमें किसी भी पैराग्राफ को 3 से 4 बार जरूर पढ़ना चाहिए, और उसके बाद ही प्रश्न के उत्तर देने शुरू करने चाहिए। देखें, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रिंस, प्रिंस का नाम क्या था, इसका उत्तर तो हमको आना ही चाहिए कि प्रश्न का क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है। व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रिंस, प्रिंस का यानी राजकुमार का नाम क्या था। अब ये प्रश्न देखते ही हमें, ये जो हमने कई बार हम पढ़ चुके हैं, फौरन ध्यान आएगा। हम क्या करते हैं उसके बाद, फौरन निशान लगाएंगे कि ये शब्द कहां आए हैं। मान लिया ये है प्रिंस शब्द, तो प्रिंस शब्द पैराग्राफ में देखें कि किस जगह आया, वही ज्यादातर उसका उत्तर आपको मिलेगा। देखें, प्रिंस शब्द आया है ये,
अब प्रश्न क्या पूछा है उसने, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रिंस, राजकुमार का नाम क्या था, तो इसमें नाम तो दिया नहीं है। वंस देयर वाज ए प्रिंस इन इंडिया, भारत में एक राजकुमार हुआ करते थे या थे, लेकिन यहां पर नाम कहीं नहीं आया। तो अब आगे बढ़े कि नाम कहां है, हिज नेम वाज सिद्धार्थ, ये आ गया। तो ये नेम शब्द देखिए यहां से आकर के मिल गया, अर्थात उत्तर हमें इन दो लाइनों में मिलेगा। अब उसका उत्तर लिखेंगे कैसे, देखिए नाम तो पता चल गया हमें, सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध की कहानी है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिद्धार्थ उसका उनका नाम था, तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, द नेम ऑफ द प्रिंस वाज सिद्धार्थ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिंस, द नेम यहां से ले ले, द नेम ऑफ द प्रिंस इतना ले लिया, यहां से यहां तक द नेम ऑफ द प्रिंस। अब वाज अपनी तरफ से लिखा, वाज सिद्धार्थ लिख दिया उसके आगे, द नेम ऑफ द प्रिंस वाज सिद्धार्थ, यह हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। हिज नेम वाज सिद्धार्थ ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सही लग रहा है, द नेम ऑफ द प्रिंस वाज सिद्धार्थ। इसमें हम एक चीज और देखें कि स्पेलिंग की मिस्टेक ना करें और सेंटेंस सही बनाएं टेंस के अनुसार, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखें आगे दूसरा प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित, वेयर डिड सिद्धार्थ लिव एंड हाउ डिड ही फील, कहां सिद्धार्थ रहते थे और वो कैसा महसूस करते थे, ये चीज देखनी है हमें। अब शब्द मिलाए हम, ही लिव्ड इन ए पैलेस, पहले की दो लाइनों में तो हमने कर दिया उत्तर, अब आगे पढ़ें तो दूसरा प्रश्न देखें, वेयर डिड, वेयर माने कहां, डिड सिद्धार्थ लिव एंड हाउ डिड ही फील, वो कैसा महसूस करते थे, कहां रहते थे कैसा महसूस करते थे। तो यहां पर हम लिव्ड देख रहे हैं, लिव्ड मिल गया इससे, लिव्ड, ही लिव्ड इन ए पैलेस, अर्थात यहीं पर होगा इसका उत्तर क्योंकि लिव्ड लिखा हुआ, ही लिव्ड इन ए पैलेस। अब अगला है इन ए पैलेस एंड देखिए क्या है, हाउ डिड ही फील, वो कैसा महसूस करते थे, हाउ डिड ही फील, तो फील शब्द का सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, तो हम देखेंगे किस तरीके से इसका उत्तर आएगा, ही लिव्ड इन ए पैलेस एंड वाज हैप्पी, कैसे थे, खुश थे। तो ये यहां पर इसका उत्तर मिल गया, सिद्धार्थ लिव्ड इन ए पैलेस एंड फेल्ट अनहैप्पी। ये देखिए सिद्धार्थ, वेयर डिड सिद्धार्थ लिव एंड हाउ डिड ही फील, उत्तर मिला सिद्धार्थ लिव्ड इन ए पैलेस एंड फेल्ट अनहैप्पी। देखें ही लिव्ड इन ए पैलेस एंड वाज हैप्पी या अनहैप्पी, जो भी वो थे, ही लिव्ड इन ए पैलेस। तो यहां पर सिद्धार्थ लिव्ड इन ए पैलेस, एक महल में रहते थे, एंड फेल्ट हैप्पी, यहां पर हैप्पी क्यों लिखा गया, यहां पर हैप्पी है अगर तो यहां हैप्पी आएगा, यहां अगर अनहैप्पी होता तो यहां पर अनहैप्पी आता। अगला प्रश्न देखें, व्हाट डिड सिद्धार्थ सी वन डे, एक बार एक दिन सिद्धार्थ ने क्या देखा। देखें कहां पर मिलते हैं ये शब्द, वन डे शब्द को ढूंढें, ये देखिए ये लिखा है, तो यहीं इसका उत्तर भी मिलेगा, वन डे ही वेंट आउट विद हिज सर्वेंट, एक दिन वो अपने नौकर के साथ बाहर गए, ही सॉ एन ओल्ड मैन, ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने बूढ़े आदमी को देखा, दिस मैन वाज वेरी वीक एंड थिन, ये बहुत पतला दुबला था, सिद्धार्थ फेल्ट अनहैप्पी, सिद्धार्थ बड़े अप्रसन्न हुए। वन डे सिद्धार्थ सॉ, व्हाट डिड सिद्धार्थ सी वन डे, वन डे सिद्धार्थ सॉ एन ओल्ड मैन, देखिए यहां से लिया गया, थोड़े से अपने शब्द तो जोड़े जाते, वो तो जोड़े ही जाएंगे, लेकिन उत्तर तो वही मिला, ही वाज वीक एंड थिन,
ही वॉज वीक एंड थिन। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के उत्तर जहां जहां शब्द इसके शब्द प्रश्न के शब्द मिले वहां वहां हमने उत्तर ढूंढ लिए। अब प्रश्न है गिव ए सूटेबल टाइटल। ऐसा प्रश्न आता है सब जगह, चाहे हाई स्कूल हो चाहे वो इंटर हो, सब में सूटेबल टाइटल सबसे बड़ी चीज है कि सूटेबल टाइटल कैसे ढूंढे। ये देखें टाइटल कैसे लिखें। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पैराग्राफ का निचोड़ क्या निकलता है, अर्थात बात किसके बारे में हो रही है। तो हमें आसानी से किसी का भी टाइटल यानी शीर्षक मिल सकता है। टाइटल का अर्थ होता है शीर्षक। शीर्षक हमें मिल सकता है किसी का भी। टाइटल का अर्थ आप जानते हैं हिंदी में शीर्षक होता है। पूरा पैराग्राफ दो तीन बार पढ़ लो, किसके बारे में बातचीत हो रही है वही लिख दो। मान लिया रेलवे स्टेशन के बारे में बातचीत हो रही है तो वही लिख दो। यहां प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में बातचीत हो रही है, पूरे में देख ले। तो ज्यादातर क्या होता है कि शुरू की दो लाइनों में या आखिर की दो लाइनों में टाइटल मिल जाता है, शीर्षक मिल जाता है। शीर्षक लिखते कैसे, अब ये देखें कैसे लिखें ये शीर्षक। शीर्षक के लिखने की किस तरीके से जरूरत पड़ती है हमें, ये देखें। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन तथा आर्टिकल को छोड़कर जब हम टाइटल लिखते हैं तो इनको तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन तथा आर्टिकल को स्मॉल लेटर में लिखते हैं और बाकी सब चीजों को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है, मैंने लिख करके भी ये दिखाया है। मान लिया किसी पैराग्राफ का शीर्षक ये बनता है एडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन। एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन, इसमें देखें ये एडवांटेजेस का जो पहला अक्षर है ए, वो तो कैपिटल से लिखा ही जाएगा, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, वो तो लिखा ही जाता है। लेकिन यहां पर एडवांटेजेस का पहला अक्षर ए से, लेकिन ऑफ और द इनके पहले अक्षर कैपिटल से नहीं है। ओ ऑफ का ओ नहीं है, द का टी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन का है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में बातचीत हो रही। वैसे हमेशा शीर्षक बहुत छोटा लिखा जाना चाहिए, बड़ा शीर्षक कभी नहीं लिखते हैं, इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है और इसमें क्रिया नहीं आनी चाहिए। जैसे इज एम आर है, ये क्रियाएं आनी नहीं चाहिए क्योंकि इससे प्रभाव बहुत कम हो जाता है, आपका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन, इस तरीके से मान लिया किसी का शीर्षक है तो ओ और द इसका तो पहला अक्षर स्मॉल से लिखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक और ट्रेन देखें ई, इलेक्ट्रिक का ई और ट्रेन का टी कैपिटल लेटर से आएगा। अब और चीज देखें, यस या नो टाइप के जो आंसर होते हैं, जिनका जैसे प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में आ जाता है उसमें हम यस या नो लिख करके छोड़ देते हैं। ये हमारी बहुत भारी भूल है, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए प्रश्न मैं वैसे ही बताता हूं अपनी तरफ से। वाज हरी गोइंग टू द मार्केट, क्या हरी मार्केट जा रहा था, ये मैंने अपने आप से जोड़ा है वाक्य। तो इसका उत्तर वैसे यस, या तो जा रहा था या तो नहीं जा रहा था। तो इसमें यस या नो में उत्तर आ सकता है, लेकिन कभी लिखते नहीं है, पूरा उत्तर लिखते हैं। जैसे यस यदि हमें हां करना है, वो जा रहा था तो हां करना है, यस के आगे कॉमा लगाएंगे। हरी वाज गोइंग टू द मार्केट, हरी मार्केट जा रहा था। यदि वो नहीं जा रहा था, पैराग्राफ में कुछ ऐसा है, तो नो लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, हरी वाज नॉट गोइंग टू द मार्केट, हरी मार्केट नहीं जा रहा था। यस और नो टाइप के जो उत्तर हैं वो कभी भी यस या नो में केवल नहीं दिए जाते, उसके आगे पूरा वाक्य लिखा जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। अब क्या है एंटोनिम और सिनोनिम, ये दो चीजें आती हैं। और एंटोनिम विलोम शब्द को कहते हैं, यानी उल्टे शब्द को। और जैसे हैप्पी है तो उसका अनहैप्पी हो जाएगा, हैप्पी है अनहैप्पी हो जाएगा, ये विलोम शब्द हो गया।
प्रसन्न अप्रसन्न। और दूसरा शब्द देखे सिनोनिम, सिनोनिम कहते हैं समानार्थी शब्द को। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं, यानी जो समान अर्थ लगने वाले दिखने वाले शब्द जो होते हैं, जैसे हैप्पी का ग्लैड हो जाएगा, हैप्पी का ग्लैड हो जाएगा, यानी खुश का खुश ही रहा, तो समानार्थी शब्द उनको कहते हैं। तो इसमें और जो चीजें आती हैं, जैसे अंडरलाइन कर देते हैं शब्दों को, एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड्स, उनको क्या कैसे कहेंगे, उनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से अपनी समझ से, इसीलिए तो ये कॉम्प्रिहेंशन के वर्ड्स बोले जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता है, ये अपनी समझ से जो वाक्य बनाकर। और ये नहीं है कि कठिन वाक्य जो कठिन शब्द हैं उनको सरल बना दो, केवल ऐसा नहीं है, अपनी समझ से वाक्य बनाकर उत्तर देने होते हैं, इसी में ही बुद्धिमानी है। तो देखिए मैंने इसमें सारी की सारी बातें बताई हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं। अनसीन का मतलब है अपठित, सीन का मतलब है पठित यानी पढ़ा हुआ, अनसीन का मतलब बिना पढ़ा हुआ। छोटा सा पैराग्राफ लेकर के मैंने ये सब चीज बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। कैसी लगी मेरी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।